घर पे कल वो हमारे घर पर मंगलवार की रात को एक लेटर मिला, लिफाफा था जिसमें दो लेटर थे, जिसमें एक जिंदा कारतूस था, उसके साथ में धमकियाँ लिख रखे थे, उसमें जान से मारने की, मेरे पूरे परिवार को, मेरे छोटे भाई को, बच्चों को, इस तरीके से हमारे को लेटर मिला। हमारा पूरा परिवार सदमे में, हमारे पूरे परिवार में छोटे छोटे बच्चे, परिवार का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। हम सरकार से, पुलिस से यही दरख्वास्त करेंगे, हमारे को सुरक्षा दी जाए और जो भी इस घटनाक्रम के अंदर है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ के बाहर। फिरौती की लटरा है और मेरे परिवार को और मुझे जान से मारने धमकी दी गई है। साथ में एक कारतूस भी आया है, जिंदा कारतूस, और मेरे परिवार, मेरे बच्चों को मारने धमकी दी गई है और परिवार पूरा डरा सहमा हुआ है बहुत। आगे क्या कार्रवाई की? अब CI साहब को बोला है, अभी SP साहब आ रहे हैं दौसा से, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। पहला लेटर है, फर्स्ट टाइम आया है। उन्होंने आज भी खाया और ये दोनों जो लेटर हैं ये सेम डे के ही हैं और दोनों की जो लैंग्वेज है वो भी सेम है और अलग अलग एंगल से जांच करेंगे, तो किसी के साथ पर्सनल एनिमिटी हो इसके पीछे, क्योंकि जो दोनों आदमी हैं जिनके पास ये लेटर मिले हैं वो दोनों फ्रेंड हैं और एक बार इनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे हमने सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी है और बाकी अलग अलग एंगल पे जांच कर रहे हैं कि कौन लोग इसके पीछे हैं। जो फुटेज में एक आदमी भी दिखाई दिया है जो बाइक पे है और भी फुटेज चेक करा रहे हैं, उनका रूट ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। ये दूसरे दिन की वारदात नहीं है, ये सेम डे लेटर मिला है। अच्छा। ठीक है, वो इन्होंने बताया बाद में है, ये एक ही दिन में ये दोनों लेटर डाल के गए हैं। ठीक है, और पुलिस से चुनौती तो हर काम पुलिस से ही चुनौती है और अगर पुलिस को चुनौती दी है तो इसका सामना भी करेंगे। सर व्यापारियों को पैसा आश्वासन दिया, सर व्यापारी भी कहीं भय के साए में जी रहे हैं? भय के साए में जीने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी पुलिस भी आपको देगी और खुद की हिफाजत करना आपका भी काम है, आप लोग भी ध्यान रखें। और जैसे भी देखा हमने कल, जो हमने कैमरे और इसके फुटेज वगैरह चेक किए, बहुत सारे लोगों ने घर में कैमरे लगाए हुए हैं पर वो बंद हैं, तो आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस है आपकी सिक्योरिटी के लिए और हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे, पर जिनके घरों में भी कैमरे हैं कृपया करके उनको चालू रखें, वो कैमरे आप लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं तो उसके अंदर आप लोग भी लापरवाही ना बरतें और बाकी हम लोग हैं और जल्दी इस मामले का खुलासा करेंगे।